गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास एलकेजी सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टॉपिक राइटिंग बुक। आज हम राइटिंग बुक करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट कम आफ्टर किया था। आज हम व्हाट कम बिफोर करेंगे। देखिए व्हाट कम्स बिफोर, उसमें हमने आफ्टर किया था, आज हम बिफोर राइट करेंगे। ओके, आफ्टर मीन्स बाद में होता है और बिफोर मीन्स पहले होता है। देखिए आफ्टर मीन्स थ्री के बाद या थ्री आफ्टर थ्री क्या आएगा, अब इसमें है बिफोर थ्री क्या आएगा, थ्री से पहले क्या आएगा। ओके, हमने काउंटिंग की है, हम काउंटिंग जानते हैं, तो काउंट करेंगे थ्री कहाँ आ रहा है और थ्री से पहले कौन सा डिजिट आ रहा है। तो सबसे पहले काउंट करिए, वन टू थ्री, थ्री आ गया, थ्री से पहले क्या आया, टू, वन टू थ्री, तो थ्री से पहले टू आया, तो हमको यहाँ पे क्या राइट करना है, टू। क्या राइट किया है, टू। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है फोर्टीन, वन फोर फोर्टीन, फोर्टीन से पहले वाला डिजिट आपको स्क्रीन में राइट करना है। ठीक है, फोर्टीन से पहले क्या आएगा हम बोल के देखते हैं। फोर्टीन इलेवन की रो में आता है, तो हम वन से ना बोल के इलेवन से रो बोलेंगे, क्योंकि वन से बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसे देखते हैं, ये इलेवन की रो में आएगा, तो हम इलेवन की रो से बोलना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बोलिए आप। ओके, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो ये हमारा फोर्टीन है, फोर्टीन तक हमने बोला है। फोर्टीन से पहले क्या आया, अगेन ट्राई करते हैं, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो फोर्टीन से पहले थर्टीन, क्या आया, थर्टीन, तो हम यहाँ पे थर्टीन राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, थर्टीन, तो वन फोर फोर्टीन है, तो यहाँ पे होगा वन थ्री थर्टीन। ओके, ये थर्टीन हो गया फोर्टीन से पहले। ओके, ये ट्रेन में थर्टीन नंबर का डिब्बा हो गया फोर्टीन से पहले। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा नाइन। क्या है, नाइन, देखिए नाइन से पहले क्या आएगा, ये वाला डिब्बा नाइन नंबर का है, ये ट्रेन है, ये डिब्बा नाइन नंबर का है, तो नाइन नंबर से पहले वाले डिब्बे को में कितने नंबर आएंगे, कौन सा नंबर का होगा, अगेन काउंट करेंगे। अभी नाइन वन डिजिट है, तो हम वन से स्टार्ट करेंगे। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये हमारा नाइन है और हमने नाइन तक काउंट करा है।
तो नाइन से पहले क्या आया, अगेन फिर से देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो हमारा नाइन से पहले एट, क्या आया एट। नाइन से बिफोर कौन सा लेटर है, एट, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे एट। ओके समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट है ट्वेंटी, टू जीरो ट्वेंटी, ट्वेंटी से पहले क्या आएगा, बिफोर ट्वेंटी क्या आएगा, ट्वेंटी इलेवन की रो में आते हैं तो हम इलेवन से काउंट करेंगे, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। अगेन देखिए, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, तो हमारा ट्वेंटी से पहले क्या आया नाइनटीन, तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना है नाइनटीन। ओके हमें यहाँ पे क्या राइट करना है नाइनटीन। ओके ट्वेंटी से पहले नाइनटीन। नेक्स्ट है हमारा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन की रो में आते हैं तो हम वन से काउंट करने की बजाय ट्वेंटी वन से काउंट करेंगे, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव तक तो अभी काउंट ही नहीं करना, हमें ट्वेंटी फोर तक काउंट करना है। अगेन देखिए, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर, ये हमारा ट्वेंटी फोर है और ट्वेंटी फोर तक हमने काउंट किया है। एक बार दोबारा देखिए, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर से क्या पहले क्या आया, बिफोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री, क्या आया ट्वेंटी थ्री, तो हम यहाँ पे ट्वेंटी थ्री राइट करेंगे। ओके नेक्स्ट है हमारा ट्वेंटी नाइन, तो ये भी ट्वेंटी वन की रो में है तो हम ट्वेंटी वन की रो से काउंट करेंगे, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन, तो ट्वेंटी नाइन तक हमने काउंट करा, ट्वेंटी नाइन से पहले क्या आया, अगेन देखिए, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन, तो क्या आया ट्वेंटी एट, तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना है ट्वेंटी एट। ट्वेंटी नाइन से पहले क्या आएगा ट्वेंटी एट। कंप्लीट हो गया हमारा। अगेन देखिए, बिफोर थ्री टू, थ्री से पहले टू, फोर्टीन से पहले थर्टीन, नाइन से पहले एट,
ट्वेंटी से पहले 19, 24 से पहले 23 और 29 से पहले 18। इस तरह से हमारा आज व्हाट कम्स बिफोर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से राइट करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक राइट करेंगे, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।